के अंतर्गत वो रहेगा आपके लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। इसे प्राय मुख्य रूप से जातीय मान भी कहा जा सकता है, हिंदी में इसको अपन जातीय मान कहते हैं। यदि आपको एग्जाम के अंतर्गत एक संख्या दे दी जाती है जातीय मान में, संख्या जैसे कि आपको दे दी जाए, दूसरा आपके इसके अंदर दे दी जाए, या फिर इस टाइप से कोई संख्या दे दी जाए, और अगर इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि 5 का जो है जातीय मान क्या होगा, तो विद्यार्थियों 5 का जातीय मान 5 ही होगा, सही इसका उत्तर। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका उत्तर 8 होगा, सही उत्तर। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि 2 का स्थान, 2 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका सही जातीय मान इसका 2 होगा। नेक्स्ट, अगर इसी के साथ साथ आपको अगर स्थानीय मान भी पूछ ले, जिसे अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, अगर पूछ ले किसी भी संख्या का स्थानीय मान, जैसे पूछ सकता है आपको इस टाइप के, अगर आपको इसमें पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर जरूर देना। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इसके अंदर 2 का स्थानीय मान, तीसरा क्वेश्चन है आपके इसके अंदर पूछ ले आपको अगर 5 का स्थानीय मान, तो आप कैसे बताएंगे। इसके अंदर अगर 9 को पूछ ले, तो इसको 9 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, फिर जितनी पीछे संख्या है उतने ही इसके पीछे 0 लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे अगर 2 है यहाँ पर, और अगर आपको 2 का स्थानीय मान पूछा, इसके पीछे देखने कितनी संख्या है, तो ये जैसे कि ये है आपके 0 यानी एक संख्या है, तो आप इसके पीछे 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 5 है यहाँ पर और इसके पीछे देखनी है आपको कितनी संख्या है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ये आपका आंसर। तो आज आपने देखा कि स्थानीय मान और जातीय मान को कैसे निकाला जाता है। इससे आपके रेलवे NTPC RRB रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के अंतर्गत क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।